नमस्ते, मैं सारिका काळे, मैं एक महाराष्ट्र से हूँ और मैं खो खो खेलती हूँ। खो खो में ही मुझे अभी 29 अगस्त को अर्जुन अवार्ड मिला है। मेरे पापा हैंडीकैप है और मेरे माँ बर्तन माँजती थी। समाज की ओर देखने का जो नज़रिया था वो मेरे पापा का अलग था कि वो लड़कियाँ ऐसे खेलती नहीं है। टमाटो और मैगी खाती हूँ सर, मैं एक ही टाइम वो खा के प्रैक्टिस करती हूँ। इस मुकाम तक मैं बहुत स्ट्रगल करके आज तक मैं पहुँची हूँ। नमस्ते, मैं सारिका काळे, मैं एक महाराष्ट्र से हूँ और मैं खो खो खेलती हूँ और खो खो में ही मुझे अभी 29 अगस्त को अर्जुन अवार्ड मिला है। और मैं अभी आपसे मेरे जनरी के बारे में डेली नॉलेज ट्रैक पे आपसे बातचीत करना चाहती हूँ। मैं खो खो खेलने के लिए 2005-06 से शुरुआत की। देखा जाए तो मेरे घर में मेरे अंकल थे, वो खो खो के एज अ राष्ट्रीय प्लेयर है, उन्हीं की वजह से मैंने खो खो खेलने के लिए मेरे मन में लगाम आया कि मुझे खो खो खेलना चाहिए। देखा जाए तो हमारे गांव के यहाँ का माहौल जो है वो खो खो के लिए बहुत अच्छा है। मैं जिस ग्राउंड पे खेलती हूँ उस ग्राउंड पे मेरे जो सीनियर ताई है वो खो खो खेलते समय मैं देखने के लिए गई थी कि वो गेम क्या है। तो देखा जाए तो मैं 2-3 दिन बाद खो खो देखने लगी। देखने के बाद मेरे ही मन में आ गया कि मैं खो खो खेल खेलूँ। और 2005-06 से मैंने खो खो खेलने के लिए स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद एक डेढ़ दो साल में ही मैंने नेशनल में कमबैक किया और मेरे फर्स्ट नेशनल खेली और उस फर्स्ट नेशनल में मेरा 100% दे दिया। और उसी टाइम से मेरी जो जनरी थी वो अलग तरीके से और अलग ढंग से शुरू होने के लिए स्टार्ट हो गई। मैं आप बताना चाहती हूँ मेरे फैमिली के बारे में, मेरे फैमिली बैकग्राउंड के बारे में। देखा जाए तो मैं एक मिडिल क्लास के फैमिली में रहती थी और देखा जाए तो मेरे पापा हैंडीकैप है, मेरे माँ बर्तन माँजती थी और मेरी नानी और मेरे नाना जी वो थोड़ा फार उनका पैसा मिलता था और उसी तरीके से हमारे घर का गुजारा चल रहा था। मैं बताना चाहती हूँ कि 2005-06 साल मतलब मैं 11 साल की थी तब से खो खो स्टार्ट किया। मैंने खो खो स्टार्ट मैं स्कूल में थी और स्कूल छूटने के बाद मैं 2-3 बार ग्राउंड पे गई। ग्राउंड पे जाने के बाद मुझे दिखा कि वहाँ पर कौन सा तो गेम चल रहा था, तो वहाँ पे खो खो गेम चल रहा था और खो खो वहाँ पे एक प्लेयर खेल रहे थे और मेरे कोच डॉक्टर प्राध्यापक चंद्रजीत जाधव सर वो खो खो की प्रैक्टिस ले रहे थे और मैं उनके पास चली गई और उनसे बोला कि सर मुझे भी ये गेम खेलना है। तो सर ने बोला हाँ तुम खेल सकती हो। और वहाँ से लेके देखा जाए तो मेरे अंकल भी बहुत अच्छा खो खो खेलते थे, उन्होंने भी मुझे गाइडेंस दिया कि सारिका तुम्हें भी खो खो खेलना चाहिए। तब मैं सर के पास गई और सर ने मुझे मेरा स्टार्ट में रनिंग लिया और फिर लंगड़ी खेलने के लिए स्टार्ट हुआ और उस लंगड़ी खेलने के बाद खो खो खेलने के लिए मेरी शुरुआत हो गई। शुरुआत होने के बाद 3-4 साल बाद जब गुजरे उस टाइम में एक दिन ऐसा आया कि मेरे पिताजी ने बोला कि सारिका तुम क्या खो खो खेलती हो, हमारे घर में शॉर्ट्स पे नहीं खेलते, ऐसा वैसा उनके मन में आने लगा। एक मन में आने के बाद मुझे भी कुछ तो मन में लगा कि मेरे पापा ऐसे क्यों बोल रहे, तो थोड़ा समझा बुझा कि मैंने पापा को बोल दिया कि नहीं मुझे खेलना है, मैं पढ़ाई भी करूँगी और मैं खेलूँगी भी। और वो बोलने के बाद फिर मैंने नेशनल में गई थी, उसमें मैंने 100% दे दिया मेरा और लगातार मैंने 3-4 नेशनल ऐसे खेलते 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 जब देखा जाए तो मेरे पापा को भी लगने लगा कि ओ चलो ये अच्छा खेलने लगती है। और फिर एक टूर्नामेंट ऐसे आई कि उस टूर्नामेंट में देखा जाए तो मेरे पापा के मन में आया कि जो बाहर समाज की ओर देखने का जो नज़रिया था वो मेरे पापा का अलग था कि वो लड़कियां ऐसे खेलती नहीं है, जैसे कि देखा जाए तो अलग गांव में जाने के बाद वो कैसे रहेगी, लोगों का नज़रिया कैसा होगा, ऐसे मेरे पापा के मन में आने लगा। तो मुझे मन में कुछ तो खटकने लगा। जब मैं पुणे में टूर्नामेंट खेलने के लिए गई थी, वहाँ पे टूर्नामेंट होने के बाद मैं सर के पास डॉक्टर जाधव सर के पास गई और उनसे बोला कि सर मुझे अभी नहीं खेलना है। और सर ने मुझे बोला सारिका तू ऐसे क्यों बोल रही, क्यों तुझे नहीं खेलना।
तो मैंने रीज़न नहीं बताया, डायरेक्ट वहाँ से लेके हम घर चले गए, जो मेरा घर है उस्मानाबाद वहाँ पे चले गए। वहाँ के जाने के बाद मैं 8-10 दिन ग्राउंड पे ही नहीं गई। ग्राउंड पे नहीं जाने के बाद सर ने पूछा, सारिका तू ग्राउंड पे क्यों नहीं आ रही? तो मैंने उसका रीज़न नहीं दिया और घर में अलग ही तरीके का माहौल खड़ा हो गया था। झगड़े होने लगे, सारिका क्यों खेलने लगी, ऐसा वैसा मेरे पिताजी बोलने लगे। तो मेरी नानी थी, वो नानी मुझे बताई नहीं कि चुपचाप सर के पास चली गई। सर के पास जाने के बाद वो बताने लगी कि सर सारी, वो डायरेक्ट जाने के बाद सर के पैर धर दे, पैर धर के बोली कि सारिका खेलना नहीं चाहती, उसके मन है, मन में कुछ तो अलग ही चल रहा है, वो अच्छी खेल रही थी, क्यों वो खेल नहीं रही कि मुझे भी नहीं पता, सर आप जाके उसको बातचीत करो। 2 दिन जाने के बाद सर मेरे घर पे आए, मेरे से बात की, मेरे पिताजी से बात की। मेरे पिताजी को लग रहा था कि सिर्फ पढ़ाई करने चाहिए, पढ़ाई में ही करियर होता है और खेल में कोई करियर नहीं होता, ऐसे मेरे पिताजी के मन में लग रहा था। वो बात तो सर से बोले कि खेल में कोई करियर नहीं होता, सारिका को सिर्फ पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए, ऐसा वैसा कुछ सर से बात होने लगी। और बात होने के बाद सर ने बोला कि नहीं, सारिका के गेम में एक अलग ही कुछ मूवमेंट्स है, वो अलग ही तरीके की नेचुरल मूवमेंट्स उसके गेम में है, तो उसको खेलने दे, खेल में एक अच्छे प्रकार का करियर हो सकता है, उसकी गारंटी मैं देता हूँ। ऐसे मेरे सर ने मेरे पापा से बात की और वहाँ से लेके आज देखा जाए तो 15 साल हो चुके, मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। और मुझे मेरे पापा भी नहीं टोका कि तेरे को नहीं खेलना चाहिए। देखा जाए तो एक ऐसी टूर्नामेंट आ गई जहाँ देखा जाए तो मेरे जनरी में वो बहुत बड़ी टूर्नामेंट है। मैं उसका जिक्र आपसे करना चाहती हूँ, वो साउथ एशियन 12th साउथ एशियन थी कि वो गुवाहाटी आसाम में हुई थी। और वहाँ में देखा जाए तो वह एज अ कैप्टनशिप मेरे ऊपर आई थी कि मैं एज अ कैप्टन, मुझे यहाँ पे डिक्लेयर किया। और वो हमारी टीम बहुत स्ट्रांग थी और उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए मेरे ऊपर ये सब कुछ आया था। देखा जाए तो वो जनरी तो अलग ही थी, वो मेरे आज तक की बहुत देखा जाए तो बहुत मूवमेंट बहुत बड़ी थी। और उस टीम को मैं करना कैप्टनशिप निभाते हुए मैंने भारत को गोल्ड मेडल जिताया। और वो एक मूवमेंट थी कि वो जीतने के बाद मैंने फ्लैग लेके उस ग्राउंड का राउंड लगाया और मेडल वो दिया, ट्रॉफी मिली, बहुत प्राउड फील कर रही थी कि कैप्टनशिप मेरे पास आने के बाद मैंने भारत को गोल्ड मेडल जिताया। और जिताते जिताते मैं फिर थर्ड एशियन खेलने के बाद मैं टेस्ट मैच खेलने के लिए लंदन चली गई। वहाँ पे भी परफॉर्मेंस मेरा 100% था और देखा जाए तो एशियन टूर्नामेंट में मुझे बेस्ट प्लेयर का अवार्ड भी मिला। और वो जनरली मेरे मैं इमेजिन नहीं कर सकती कि वो खो खो की वजह से आज मुझे बहुत अलग प्रकार का प्लेटफॉर्म मिला। और मैं बताना चाहती कि 29 अगस्त को जो महामान्य राष्ट्रपति जी उनके हाथ से मुझे अर्जुन अवार्ड मिला। देखा जाए तो ये अर्जुन अवार्ड दो बताना चाहती हूँ कि हमारे देश को 22 साल बाद और महाराष्ट्र को 35 साल के बाद मेरे वजह से चालू होने लगा कि एक स्पोर्ट्स जो हमारे प्लेयर है उन प्लेयर को एक अर्जुन अवार्ड जो 1998 में जो स्टॉप हुआ था वो अभी 2020 में चालू हुआ है, वो प्लेयरों के लिए बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है कि अब ये अर्जुन अवार्ड चालू हुआ। देखा जाए तो 35 साल के बाद और देश को 22 साल के बाद ये अर्जुन अवार्ड शुरू हुआ है, वो मैं इसका क्रेडिट सब मैं खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के सुधांशु मित्तल सर होंगे, एम एच जी त्यागी सर होंगे, राजू मेहता सर होंगे और मेरे गुरु डॉक्टर प्राध्यापक चंद्रजीत यादव सर, इनके बदलों की वजह से आज मुझे अर्जुन अवार्ड मिला। मैं बताना चाहती हूँ कुछ ही दिन पहले मैं दिल्ली में आई और एयरपोर्ट आने के बाद वो जो माहौल था वो मैं वर्ड्स में नहीं बता सकती। वो बैंड वगैरह लगा के, हार पहना के, वो जो माहौल था ना वो बहुत अलग ही था। वो माहौल मैं दिल्ली में आके वो हो गया। और वहाँ से आने के बाद मैं जब ऑफिस आई तब मैं सुधांशु मित्तल सर होंगे, एम एच जी त्यागी सर होंगे, उनका मैंने आशीर्वाद लिया। और वो होने के बाद मैं हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर है उनका उनसे मैं मिलने के लिए उनके पास चली गई। उन्होंने भी, मैं एक बताना चाहती हूँ कि वो स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो हमारे किरण जी रिजिजू जी सर है वो खो खो खेल चुके हैं। वो मुझे वहाँ जाने के बाद मुझे पता चला कि चलो खो खो का आज माहौल जो है वो बहुत ही अच्छा चल रहा है। वो मैं एक बताना चाहती हूँ कि
इससे पहले जो खोखो था वो अलग ही था, आप जो खोखो दिख रहा है वो अलग ही लेवल का, अलग ही प्लेटफॉर्म आज खोखो में आ रहा है। वो सब खोखो फेडरेशन ऑफ इंडिया की सब पदाधिकारी हो उनको जाता है। और देखा जाए जो अभी इससे पहले जो खोखो में खेलती थी, मैं ट्रेन में प्रवास करती थी उस टाइम, अभी जो प्लेयर वो प्रवास कर रहे हैं वो प्लेन में आ रहे हैं, और अलग तरीके का उनका ग्लैमर जो है खोखो का वो अलग ही मोमेंट पे चल रहा है। आज इस समय मैं आपको बताना चाहती हूँ, इस मुकाम तक मैं बहुत स्ट्रगल करके आज तक मैं पहुँची हूँ। मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि जब मैं खोखो खेलती थी, मेरा जो डाइट था, जो एक प्लेयर को जो डाइट मिलना था उससे अलग ही डाइट मैं खाती थी। मैं बताना चाहती हूँ कि मैं मैगी और हमारे यहाँ जो कम से कम कीमत में मिल जाता है वो टमाटो, वो मैं खाती थी। वो मेरे मन में ऐसा आया था कि मेरा डाइट ऐसा, सब प्लेयरों को अलग तरीके का डाइट मिलता है, मुझे अलग मिलता है, ऐसे मेरे मन में कभी नहीं आया। जब मैं खेलती थी और खेलने के बाद जब मैं एक ही टाइम खा के मैं प्रैक्टिस करती थी, और खेलते खेलते एक दिन ऐसा आया कि जब मुझे खोखो में से थोड़ा फार पैसा आने लगा, और उसमें मैं मेरे खाने में मैं डाइट में अलग तरीके का चेंजेस करती गई। जो आज एक प्लेयर जो डाइट लेता है उससे थोड़ा फार मैं अपने डाइट में मैं वो फॉलो करती गई। जैसे देखा जाए तो एक प्लेयर को जो डाइट मिलता है, जैसे कि प्रोटीन शेक हो, इवन जो ड्राई फ्रूट्स हो, इवन जो फ्रूट्स हो, एक प्लेयर को जो मिलना चाहिए वो मुझे नहीं मिलता था। तो मेरे एक दिन ऐसा आया कि जब मेरे ग्राउंड पे हीमोग्लोबिन चेक करने के लिए, वो HB चेक करने के लिए डॉक्टर आए थे, और उस टाइम मेरा HB देखा जाए तो 6-7 के बीच में था। तो मेरे सर ने मुझे पूछा कि सारिका तू डाइट अच्छा लेती है या नहीं लेती, सर ने मुझसे पूछ लिया। तो मैंने बोला कि मैं टमाटो और मैगी खाती हूँ सर, मैं एक ही टाइम वो खा के प्रैक्टिस करती हूँ। तब सर के मन में आया कि सारिका एक ही टाइम खाती है और एक ही टाइम खा के प्रैक्टिस करती है, के मन में आया कि सारिका को भी कुछ डाइट फॉलो करने के लिए वो मुझे कुछ पैसे देते थे कि ये तू डाइट लेके वो खा और प्रैक्टिस कर ले, वो ऐसे बोलते थे। और बोलने के बाद जो मेरा एक दो टूर्नामेंट जाने के बाद वहाँ पे मुझे खाना अच्छे तरीके से मिलता था और डाइट भी अच्छे तरीके से मिलता था, और उसी डाइट और खाने के बाद मेरा प्रैक्टिस जो था वो मैं परफॉर्मेंस 100 लेवल के मैं देती थी। और मुझे बताने में बहुत खुशी हो रही कि जो मैं आज दिख रही हूँ वो मैं सिर्फ मेरे कोच की वजह से और मेरे नानी की वजह से मैं आज ही इतना बड़ा मैंने आज अचीवमेंट जो मिला है वो मैं सिर्फ खोखो फेडरेशन ऑफ इंडिया की सब भी उनका ही मैं शुक्रगुजार हूँ, उनकी वजह से मुझे ये अवार्ड मिला है और इनके आशीर्वाद की वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ। एक बात बताना चाहती हूँ कि मेरे टीम के सभी प्लेयर्स और मेरे माँ और पिताजी की वजह से आज मैं उनको प्रेरणा स्थान समझती हूँ। मैं अगर आप खोखो खेलने के लिए स्टार्ट करना चाहते हो तो 3-4 स्टैंडर्ड से आप खोखो खेलने के लिए स्टार्ट कर सकते हैं। देखा जाए तो अब खोखो के लिए अलग प्रकार का ग्लैमर आ रहा है। आप खोखो खेलना चाहते हो तो गांव में हो या सिटी में हो, एक क्लब होता है, एक एकेडमी होती है, उसमें जाके आप प्रैक्टिस कर सकती है और खोखो भी खेल सकते हैं। देखा जाए तो एक बात बताना चाहती हूँ कि आप खेलते समय आपको गवर्नमेंट से एक अच्छी प्रकार की जॉब ही मिल सकती है। एक खुद ही मैं एक एग्जांपल हूँ कि मुझे अभी स्पोर्ट्स ऑफिसर मुझे स्पोर्ट्स मिली है कि अभी मैं मेरे गांव में स्पोर्ट्स ऑफिसर की जॉब कर रही हूँ। देखा जाए तो पढ़ाई भी कर सकते हैं और खोखो इवन कौन से ही गेम में आप करियर बना सकते हैं। अब आज मैं इस समय आपसे बताना चाहती हूँ, 2-3 साल पहले सरकार द्वारा खेलो इंडिया टूर्नामेंट U17 की चालू हुई है। वो टूर्नामेंट ऐसी है कि वो अलग अलग स्टेट के बच्चे चुन के वो टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करके उन्हें सरकार द्वारा पर ईयर 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। और ये टूर्नामेंट प्लेयरों के लिए बहुत बड़ी टूर्नामेंट है। देखा जाए तो प्लेयरों को हर पर ईयर 5 लाख रुपए दिए जा रहे हैं सरकार द्वारा। डाइट के बारे में बताना चाहती हूँ, आप सुबह दूध ले सकते हो और प्रोटीन शेक ले सकते हो, और लंच में आप दाल चावल ले सकते हो, रोटी खा सकते हो, और डिनर में उससे पहले प्रैक्टिस जाने से पहले आप एक बनाना खा सकते हो, हमारे फिटनेस लेवल के लिए बहुत अच्छा होता है। और डिनर में आप फिर से आप रोटी दाल चावल ये ले सकते हो। देखा जाए तो हमारे लिए डाइट ही काफ़ी नहीं है, उसमें हम जितना भी वर्कआउट करते हैं वो वर्कआउट का स्ट्रेस निकालने के लिए हमें सोना ही उतना ही ज़रूरी है।
मैं आने वाले प्लेयरों को बोलना चाहती हूँ कि आप आओ, खेलो और सीखो और देश का नाम रोशन करो।